हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आप सब अच्छे होंगे मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां आज फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं कुछ बेहतरीन जानने के लिए और समझने के लिए तो देखिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट में और सेशन के बारे में जिसका नाम है मेमोरी देखिए कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा चैप्टर है एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम एक में काफी वेटेज के साथ में पूछा जाता है बहुत ही बेसिक ये चैप्टर माना जाता है लेकिन अगर हम बात करें तो एग्जाम में कैंडिडेट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कंप्यूटर मेमोरी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर देखिए अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की इन अ वेरी लेमेन लैंग्वेज बात करें तो आपके मोबाइल फोन में भी कोई ना कोई मेमोरी है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कोई ना कोई मेमोरी है जो आपके डेटा को स्टोर करके रखती है जैसे कि आपका ब्रेन ये एक मेमोरी है क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें स्टोर रहती हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर और मोबाइल या फिर डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स के पास भी अपनी मेमोरी होती है कंप्यूटर में काम या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है एंड ओवरऑल किस तरीके से एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार फटाफट से अगर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है तो एक बार यस सर यस सर लिख के कमेंट कर दीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड दि सेशन मीन वाइल आई कैन चेक योर कमेंट्स टू यस बिल्कुल अमित जायसवाल लोचन पटेल लेखा कुमारी सबका स्वागत है गाइस बहुत बढ़िया तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आज के सेशन में हम लोग किन मुद्दों के बारे में किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इंट्रोडक्शन यहां पर रहेगा टाइप्स के बारे में चर्चा होगी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है रजिस्टर क्या होता है मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं है ना और किस तरीके से एग्जाम में यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है कंफ्यूज करने की तो देखिए हमारे वीडियोस का ट्रेंड क्या है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जिस टॉपिक को समझाते हैं उसी टॉपिक पर बेस्ड एमसीक्यूज भी लेकर आते हैं ताकि जितना हमने पढ़ाया वो टेस्ट भी आपका हो जाए तो आई होप कि अभी तक हमने जितने भी वीडियोस लिए हैं आपने उनके डिस्क्रिप्शन को एज वेल एज उनके एमसीक्यूज को लगा कर देखा होगा सॉल्व करने की कोशिश की होगी और बिल्कुल आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें और सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं है ना और सेशन को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक भी करें सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इन्हीं सब चीजों से हमको ये पता चलता है कि आपको सेशन कितना समझ में आ रहा है है ना क्योंकि फेस टू फेस इंट्रेक्शन नहीं है आप हमसे बात नहीं कर सकते हम तो आपसे बात कर सकते हैं एज अ मेंटर लेकिन आपकी बात हम कैसे समझेंगे जब आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में या फिर लाइक like की हेल्प से बताएंगे कि सर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि एक टू वे कॉम्युनिकेशन बन पाए और जो आप चाह रहे हैं कि आपको वो मैं डिलीवर कर पा रहा हूं है ना इसकी एश्योरेंस भी मुझे मिलती रहे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को तो जानते हैं क्या है खास बिल्कुल तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो आजकल मेमोरी का बहुत ही एडवांस फॉर्म आ चुका है है ना जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा जार्विस तो ये कंप्यूटर में जार्विस क्या है क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक मेमोरी की मदद से आपके पूरे घर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है मतलब सारा काम ऑटोमेटिक होए आपके इंस्ट्रक्शंस पर हो और आपको बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलना ना हो तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है और ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है तो कंप्यूटर मेमोरी अब बेसिक लेवल पे नहीं बहुत ही एडवांस लेवल पर आ चुकी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे है ना पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी है क्या पहला पॉइंट यहां से हम लोग समझते हुए चलेंगे द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या है ये एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में जहां पर आपके द्वारा स्टोर किए हुए डेटा को कंप्यूटर स्टोर करता है लेकिन वो स्टोर करता कैसे है ये जानना काफी दिलचस्प रहने वाला है तो पहला पॉइंट समझ में आया दैट इज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यानी सिर्फ डेटा को ही क्या कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करती है बिल्कुल डेटा को तो स्टोर करती है लेकिन इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करती है तो अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी क्या क्या स्टोर करती है तो डेटा भी होगा और इंस्ट्रक्शन भी होंगे इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है जैसे आपने इनपुट दिया जैसे आपने कहा एक फाइल आपको प्रिंट तो करेगी और प्रिंट जिसको आपने कहा कि इस फाइल को प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट है उस फाइल को भी प्रिंट करेगी तो इसका मतलब जिस फाइल को आप सेव करना चाहते थे उस फाइल को सेव भी किया कंप्यूटर मेमोरी ने और जिस इंस्ट्रक्शन को आपने प्रोवाइड किया आपने कीबोर्ड से अपने नाम को टाइप किया तो ये इंस्ट्रक्शन हुआ कंप्यूटर के लिए तो इन दोनों ही काम को कंप्यूटर मेमोरी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है क्लियर है बिल्कुल वेरी गुड अब अगर हम कंप्यूटर मेमोरी में आगे बढ़े तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स दी इंस्ट्रक्शन देखिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपने कभी देखा नहीं होगा कभी सुना नहीं होगा देखिए कंप्यूटर मेमोरी का बहुत खास रिश्ता होता है प्रोसेसर के साथ में प्रोसेसर हमेशा डिमांड करता है और मेमोरी हमेशा उसकी डिमांड को पूरा करती है प्रोसेसर कहता है यानी सीपीयू कहता है सीपीयू और प्रोसेसर एक ही बात है है ना जैसे आपके मोबाइल में प्रोसेसर लगा होता है आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है तो वो सीपी ही है क्योंकि सीपी मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर में ही होती है और जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी ही प्रोसेसिंग फास्ट होगी है ना तभी तो कहा जाता है कोर आई फाइव कोर आई सेवन कोर आई नाइन किस प्रोसेसर को आप यूज कर रहे हैं तो जितना बेहतर प्रोसेसर होगा उतनी ही प्रोसेसिंग आपकी फास्ट होगी राइट तो कंप्यूटर मेमोरी होल्ड दी इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू नीड मेमोरी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरेज पार्ट है इसका स्पीड से रिलेशन बहुत कम है अगर कुछ लोग कहते हैं जैसे रैम की स्पीड आपने बढ़ा दी या रैम का साइज आपने बढ़ाया तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी ऐसा सिर्फ दिखता है जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं रैम बढ़ने से स्पीड नहीं बढ़ती सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है फास्ट होती है जबकि प्रोसेसर अच्छा होने से कंप्यूटर की स्पीड बेहतर होती है क्लियर है गाईस? तो यानी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू नीड्स। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज कॉल्ड बिट अगर हम कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात करें तो आंसर क्या होगा गाइस बिट होगा बिट मतलब जीरो और वन कंप्यूटर हमेशा स्टोर करता है किसी भी चीज को जीरो और वन के फॉर्मेट में जैसे सपोज करिए कि आपको अपना नाम लिखना है कंप्यूटर में या मोबाइल में तो कंप्यूटर आपके नाम को अल्फाबेट्स में नहीं समझेगा वो उसको कन्वर्ट करेगा जीरो और वन के फॉर्म में जिसको बिट कहा जाता है और एग्जाम में अगला क्वेश्चन कि बिट की फॉर्म क्या है तो बिट की फुल फॉर्म बनती है गाइस

जहां पर ये बिट स्टोर होती है नेम दैट प्लेस वेयर दीज बिट आर स्टोर कंप्यूटर में जीरो और वन को स्टोर करने के लिए क्या कोई जगह है बिल्कुल है एंड दिस टाइप ऑफ प्लेस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप इसे हम क्या बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे तो याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप क्या है जहां पर हम बिट को स्टोर करते हैं वो जगह है फ्लिप फ्लॉप अगला फ्लिप फ्लॉप स्टोर वन बिट ऑफ डेटा फ्लिप फ्लॉप कितने बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है तो एक बिट ऑफ डेटा को एक टाइम में स्टोर करता है यानी एक समय पर एक जीरो एक समय पर एक वन इस तरीके से कई सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं क्लियर हो गई बात अब अभी मैंने कहा कि इस तरीके से कंप्यूटर में कई सारे फ्लिप फ्लॉप बनते जाएंगे तो अगला क्वेश्चन इसी से आता है कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड फ्लॉप के इस कलेक्शन को क्या कहा जाता है सो कलेक्शन ऑफ टू और मोर फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर इसी तरीके से कई सारे फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को रजिस्टर की कैटेगरी में रखा जाता है ठीक तो अभी तक मैंने क्या बताया एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं मेमोरी मतलब जहां पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं सिर्फ डेटा नहीं इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर रहे हैं वो कंप्यूटर मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है बिट की डिजिट होती है और बाइनरी डिजिट का मतलब जीरो और वन होता है जीरो मतलब कि आप ऑफ कर रहे हैं और वन का मतलब आप ऑन इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं तो ऑफ और ऑन अब ये जीरो और वन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या कोई जगह है बिल्कुल और एक बिट को एक समय पर स्टोर करता है इसका मतलब कई सारे फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए तो इन कई सारे फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को रजिस्टर की कैटेगरी में काउंट करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं गाइस कंप्यूटर मेमोरी में नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कौन सी ऐसी मेमोरी है कंप्यूटर में जो सबसे फास्टेस्ट है इस केस में मैक्सिमम कैंडिडेट्स जानते हैं कि आंसर होना चाहिए कैश मेमोरी लेकिन यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि इसके आंसर एक नहीं दो बनते हैं रजिस्टर और कैश मेमोरी ये दोनों आपकी फास्टेस्ट होती हैं। तो पहली प्रेफरेंस को दूसरी प्रेफरेंस आप देंगे कैश मेमोरी को डिपेंड अपॉन ऑप्शन। गेटिंग पॉइंट? अब ये रजिस्टर होता क्या है ये कैश मेमोरी क्या होती है इस पर अभी हम चर्चा करेंगे सेपरेट तरीके से डिटेल में लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि कंप्यूटर की जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर भी है और कैश मेमोरी भी लेकिन सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी में जिसको आप रखेंगे वो है रजिस्टर और सेकंड पोजीशन पे जिसको आप रख रहे हैं वो है कैश मेमोरी बात समझ में आ रही है जैसे ट्रेन भी फास्टेस्ट है और एरोप्लेन भी फास्टेस्ट है लेकिन आप जानते हैं कि एरोप्लेन ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट है है ना तो एरोप्लेन हो गया आपका रजिस्टर और ट्रेन हो गई आपकी कैश मेमोरी यानी दोनों ही आपकी फास्ट मेमोरी की कैटेगरी में कंसीडर की जा रही है नेक्स्ट कंप्यूटर मेमोरी में सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है तो सबसे महंगी की अगर हम बात करें तो आंसर निकल के आता है रजिस्टर क्योंकि ये सबसे फास्ट है और नो no डाउट जो जितना फास्ट होगा उसका किराया उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी है ना एयरलाइंस में सफर करना क्या सस्ता है बिल्कुल नहीं बहुत महंगा है है ना ट्रेन में सफर करना इन कंपैरिज़न चीपर है है ना तो इसका मतलब जितनी फास्ट होती जाएंगी उतनी एक्सपेंसिव भी होंगी तो रजिस्टर सबसे महंगी उसके बाद कैश महंगी और फिर रैम है ना यानी आप समझ रहे होंगे रैम महंगी है और उसके बाद कैशे है और फिर रजिस्टर सबसे महंगी है तो एक्सपेंसिव की कैटेगरी में तीन मेमोरी आपकी आती है रजिस्टर कैशे और रैम नेक्स्ट अगर पूछा जाए सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी है ना एक्सपेंसिव के बारे में तो यहां बात हो गई लेकिन सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी होगी विच इज दीपेस्ट मेमोरी तो आप जानते हैं कि सस्ता माल जो होगा है ना वो बहुत टिकाऊ नहीं होगा है ना दैट यू ऑल नो तो इट मीन कि कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी इज चीपेस्ट मेमोरी आप जानते हैं मार्केट में जाते हैं दस रुपए की भी मिल जाती है है ना और अगर वायरस के साथ मिल लेंगे तो पांच रुपए की भी मिल जाएगी बिल्कुल आपने सही सुना क्योंकि कई सारी सी डी और डीवीडी में वायरस डाल के भी भेजा जाता है और वो काफी सस्ती मिलती है है ना तो इसका मतलब सी डी डीवीडी ये आपकी सबसे चीपेस्ट होती हैं जबकि कॉस्टली में बात करें तो आपकी प्राइमरी यानी मेन मेमोरी होती है जैसे रजिस्टर कैश और रैम ये बहुत महंगी होती हैं रैम अगर आप बढ़वाना चाहते हैं दो जी से चार जीबी तो चार जीबी भी अगर आप लेने जाएंगे तो अप्रोक्स दो हजार या पच्चीस सौ रुपए तक आपको पड़ेगी राइट ब्रांडेड ब्रांड वन की बात कर रहा हूं ब्रांडेड मेमोरी की बात कर रहा हूं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्लोएस्ट मेमोरी देखिए यहां पर लिख भी दिया गया है स्लोएस्ट मेमोरी डिस्क तो जितनी भी डिस्क की कैटेगरी में आती हैं वो स्लोएस्ट ना और ये आपकी चीपेस्ट भी होती हैं कहीं ना कहीं तो अब एक क्वेश्चन स्लोएस्ट मतलब स्लो मतलब चले जैसे हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क है ना ये बहुत स्लो है क्योंकि इनका काम स्पीड प्रोवाइड करना नहीं है आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी है इनका बेसिक काम स्पीड प्रोवाइड करना नहीं है इनका बेसिक काम है डेटा को स्टोर करके रखना वेयर हाउस गोदाम के तरीके से डेटा को स्टोर करके रखना ये डिस्क का काम होता है, इसलिए ये है, इसलिए लेकिन आजकल के टाइम पर फास्टेस्ट डिस्क भी बन रही है जैसे एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना जो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी तेज है लेकिन अगेन अगर हम प्राइमरी मेमोरी से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये हमेशा स्लो ही रहेगी है ना? लेकिन हार्ड डिस्क से अगर हम कंपेरिजन करें तो एस आपकी काफी फास्ट डिस्क होती है क्लियर हो गई बात यहां तक अब एक क्वेश्चन शायद आपका यहां पर बन रहा हो और कंफ्यूजन भी रहता है कैंडिडेट के मन में है ना पता नहीं आपने कभी सोचा या नहीं सोचा इस बारे में बताइएगा मुझे कमेंट करके कि डिस्क और डिस्क में क्या अंतर है शायद समझे नहीं आप लोग डीआईएस के डिस्क और डी आई एस सी डिस्क इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है या दोनों सेम है तो चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क और डिस्क तो बताइए अगर कोई भी कैंडिडेट यहां पर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानता हो कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल शायरा हार्दिक बिल्कुल सही बहुत बढ़िया है ना तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बहुत ही महीन सा डिफरेंस है लेकिन बहुत प्यारा डिफरेंस है है ना तो चलिए देख लेते हैं देखो डिस्क की जब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं डी आई एस के बारे में तो ये डिस्क क्या है इस डिस्क का यूज हम लोग मैग्नेटिक के टर्म्स में करते हैं जैसे हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क यानी ये डिस्क पहले वाली डिस्क हो गई आपकी स्टोरेज के पर्पस से मैग्नेटिक के टर्म्स में क्लियर है जबकि सेकेंड वाली जो डिस्क है डी ये हम लोग यूज करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के टर्म्स में सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी आई एस सी डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क सी DISC वाला ब्लू रे डिस्क DISC वाला जबकि हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में के वाले डिस्क को हम लोग लेकर आते हैं आई होप कि ये बहुत प्यारा सा डिफरेंस है है ना और अब आपको याद रहेगा चलिए एक बार देख भी लेते हैं तो डिस्क इज यूज फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क वेयर एस DISC इज यूज फॉर ऑप्टिकल स्टोरेज जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल टाइल डिस्क या फिर डिस्क, है ना तो आप कह सकते हैं कि के वाला यूज होता है मैग्नेटिक स्टोरेज के टर्म्स में और सी वाला यूज होता है ऑप्टिकल स्टोरेज के टर्म्स में जहां पर सी डी डीवीडी और बी आर डी को इंक्लूड किया जाता है तो याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये हम बताएंगे आपको इसके अगले वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो जिसके बाद मैं लॉन्च करूंगा ठीक है तो वहां पर आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटर में यानी मेमोरी कितनी जरूरी है कंप्यूटर में यह भी जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो चलिए जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कभी भी मेमोरी को स्टोरेज के साथ में कोरिलेट मत करिएगा क्योंकि अगेन एक छोटा सा डिफरेंस होता है मेमोरी और स्टोरेज में आप जानते हैं अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि मेमोरी मतलब स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेकिन अगेन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी आपकी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा मेमोरी आपकी टेंपरेरी और परमानेंट दोनों हो सकती हैं लेकिन स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ परमानेंट होगी स्टोरेज कभी भी टेंपरेरी नहीं होगी जैसे कुछ ऐसी यादें कुछ ऐसी मेमोरीज कहते हैं ना मेमोरीज ओल्ड मेमोरीज न्यू मेमोरीज तो वो मेमोरीज यानी दो तरीके की हो सकती हैं आपका नाम ये आप कभी नहीं भूलेंगे आपका एड्रेस है ना ये आपका कोई ऐसा खास जिसको आप कभी नहीं भूलना चाहते मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का मतलब जहां पर डेटा लॉस हो सकता है 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 ना जैसे आपने पढ़ा हो सकता है पढ़ने के बाद आप भूल जाए है ना क्योंकि जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो भूलेगा और जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा वो कभी नहीं भूलेगा तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेमोरी आपकी दो तरीके की होती है एक तो वो जो लॉस हो सकती है एक वो जो परमानेंट है लेकिन जो परमानेंट है वही आपकी स्टोरेज बनती है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जब आप इनपुट देते हैं इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद उसकी आउटपुट होती है लेकिन प्रोसेस करने का काम किसका है सीपीयू का प्रोसेसर का और प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेसर क्या करता है डेटा को फेच करता है और इस डेटा को वो कहां से लेता है मेमोरी से लेता है या तो स्टोरेज से लेता है तो प्रोसेसर का मतलब क्या है सीपीयू एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेमोरी के रिस्पेक्ट में हमेशा है ना वादा करिए कि आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे और वो बात क्या है कि सीपीयू को हमेशा बिजी रखने की बात की जाती है कि सीपीयू कभी भी कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में आइडल ना रहे प्रोसेसर कभी भी आइडल ना रहे इस बारे में बहुत ध्यान रखा जाता है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए उसको फटाफट प्राइमरी मेमोरी से लाकर दे दिया जाता है और अगर प्राइमरी मेमोरी में डेटा नहीं मिलता तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाकर दे दिया जाता है लेकिन कोशिश यह की जाती है कि फटाफट सीपीयू को डेटा मिल जाए इसलिए डेटा को हार्ड डिस्क से उठाकर प्राइमरी मेमोरी इसका मतलब रैम या कैशे जैसी मेमोरी में रखा जाता है ताकि सीपीयू को ज्यादा समय ना लगे डेटा को ढूंढने के लिए मोरल ऑफ़ स्टोरी समझ में आया कि सीपीयू जल्दी से काम कर ले और सीपीयू बैठा नहीं रहे कि जब डेटा उसको मिलेगा तब वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा ऐसा नहीं होना चाहिए डेटा प्राइमरी मेमोरी में होगा तो सीपीयू फटाफट उसको एक्सेस कर लेगा और अगर वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में नहीं होगा तो उसको सर्च करेगा वो हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी है और अभी मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क स्लो है तो वहां पर डेटा ढूंढने में काफी समय लगेगा और ये बात अच्छी नहीं है इसीलिए प्राइमरी मेमोरी और रैम का कांसेप्ट आया ताकि सीपीयू को फटाफट से डेटा रैम से मिल जाए और रैम के थ्रू वो डेटा यानी प्रोसेसर प्रोसेस कर पाए बात समझ में आ गई तो ये डिफरेंस होता है हार्ड डिस्क में और रैम में इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी चर्चा करेंगे आगे बात करते हैं गाइस। तो देखिए बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट है, है ना इनको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है मेमोरी यूनिट्स की बात करते हैं देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डैम श्योर पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से समझिएगा देखिए मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी यूनिट अभी मैंने आपको बताया क्या होती है बिट होती है है ना आप सब जानते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या है बिट है जिसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है बिट की फुल फॉर्म क्या है बाइनरी डिजिट है ये तो जीरो और वन के फॉर्म में हो गई लेकिन इसके बाद बिट के बाद जो नाम आता है वो आता है निबल का एक निबल चार बिट के बराबर होती है याद रखिएगा वन निबल इज इक्वल्स टू फोर बिट और वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट तो यानी अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट बिट बिट के बाद आती है निबल जिसे हाफ बाइट भी बोला जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में हाफ बाइट की बात हो रही है तब भी वो निबल है और अगर एक बाइट की बात हो रही है तो इसका मतलब वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट या एट बिट इज इक्वल्स टू वन बाइट फिर इसके बाद आता है आपका किलोबाइट जो वन जीरो टू फोर बाइट के बराबर होता है वन मेगाबाइट वन गीगाबाइट और वन टेराबाइट है ना तो मैक्सिमम केस में कैंडिडेट सिर्फ टेराबाइट तक ही जानते हैं है ना उनको नहीं पता चलता है कि टेराबाइट के आगे भी क्या कोई मेमोरी यूनिट है तो बिल्कुल टेराबाइट के आगे भी है वो है पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट योटाबाइट, ब्रॉन्टोबाइट और जिओपबाइट तो ये आपकी मेमोरी का सीक्वेंस बनता है है ना तो ये जरूर याद रखिएगा अब इस केस में क्वेश्चन क्या बनेगा या तो बनेगा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है अगर बिट नहीं दिया है तो निबल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी निबल नहीं दिया है तो बाइट आपकी स्मॉलेस्ट होगी लेकिन इस केस में 95% परसेंट केसेस में बिट आपको मिलेगा तो आंसर बिट हो जाएगा लेकिन कई बार बिट नहीं होता ऑप्शन में तो इस केस में निबल भी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी अगर बिट नहीं है तो और बिट और निबल दोनों है तो नो डाउट आंसर बिट होगा बिल्कुल वेरी गुड और अगर लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा अगेन डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन की ऑप्शन में टीबी गिवेन है या पीबी गिवेन है तो अगर पीबी गिवेन होगा तो आंसर होगा पेटाबाइट टीबी गिवेन होगा तो आंसर हो जाएगा आपका टीबी मतलब टेराबाइट तो ये पूरा ही सीक्वेंस आप याद रखिए है ना इट विल बिकम वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन तो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है टिल लास्ट है ना तक इसको याद रखिएगा तो इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा है ना से से एक बार आप इसको फिर रिवाइज करिएगा क्योंकि ये सीक्वेंस याद होना ये हायर की याद होनी बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हैं गाइस अब देखिए अब हम बात करेंगे यहां पर रजिस्टर के बारे में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फास्टेस्ट मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो इस केस में रजिस्टर की बात होती है और कैश मेमोरी की बात होती है तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर रजिस्टर आखिरकार है क्या? जो इसको सबसे फास्टेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है ना और ये अगर सबसे फास्टेस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से ही बनेंगे और नो no डाउट कैश मेमोरी से भी बनेंगे तो रजिस्टर एंड कैश इज दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में कैश और रजिस्टर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं तो चलिए विदाउट फर्दर डिले देखते हैं रजिस्टर के बारे में स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर देखो जितना मेमोरी स्मॉल होगी उतनी ही फास्ट होगी पर स्मॉल के साथ-साथ जितनी टेंपरेरी होगी उतनी फास्ट होगी यानी टेंपरेरी मेमोरी का मतलब जो डेटा को परमानेंट स्टोर ना करे अगर डेटा को वो परमानेंट स्टोर करने लगी है ना तो देखिए इससे दो नुकसान होंगे परमानेंट स्टोर करने के सेंस में स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए और अगर हम कैपेसिटी ज्यादा लेंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी होगी और अगर वो फास्टेस्ट होगी तो जरूर वो महंगी होगी तो इसलिए क्या करते हैं कि उसे टेम्परेरी रखते हैं और साइज में छोटा रखते हैं बात समझ में आ रही है ताकि बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंस इसके लिए ना करना पड़े जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पेन ड्राइव के केस में दो जीबी लेंगे चार जीबी लेंगे आठ जीबी लेंगे तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी लेकिन वो तो ड्राइव है वो तो सस्ती है वो तो सेकेंडरी मेमोरी है ये तो प्राइमरी है अगर इनको परमानेंट करना शुरू कर दिया तो इनकी कीमत लाखों में पहुंच जाएगी इसलिए इनको टेम्परेरी के टर्म्स में यूज किया जाता है तो पहला पॉइंट क्या है रजिस्टर मेमोरी स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर ये छोटी है और फास्टेस्ट है पहला पॉइंट आगे बढ़ते हैं रजिस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर को आप रैम या रोम से कंपेर मत करिए क्योंकि ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है मेन मेमोरी में आपकी रैम और रोम कंसीडर होती है जबकि रजिस्टर क्या है ये सीपीयू के अंदर प्रोसेसर के अंदर ही लगी रहती है क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सीपीयू कभी भी खाली ना बैठे सीपीयू यानी प्रोसेसर कभी भी आइडल स्टेट में ना हो इसीलिए सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी लगा दे लगा दी जाती है छोटी सी मेमोरी होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर के टर्म्स में देखा जाता है अब जो बहुत ऐसा डेटा जो कंप्यूटर को बार बार चाहिए होता है उसे हम रजिस्टर में रख देते हैं और रजिस्टर वहां से सीपीयू को दे देता है ना तो इसलिए आइडल नहीं रहता आपका सीपीयू सीपीयू लगातार काम करता रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ रजिस्टर है ना ये क्रेडिट किसको जाता है रजिस्टर को जाता है तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया एक बार यस सर लिख के बता दीजिएगा चलिए रजिस्टर इज लोकेटेड इन दी सीपीयू देखिए अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्टर कहां पर होता है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन कि रजिस्टर लोकेटेड कहां पर होता है क्या ये रैम में होता है रोम में होता है हार्ड डिस्क में होता है है ना कहां पर होता है रजिस्टर तो आंसर है ये भाई साहब सीपीयू के अंदर होता है दैट इज लोकेटेड इन साइड डेटा को होल्ड करता है और डेटा को टेम्परेरी बेसिस पर होल्ड करता है और उस डेटा को होल्ड करता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूजर, यूजर यूज कर रहा है जो बार बार यूजर जिस डेटा को यूज कर रहा है उसको आपका कंप्यूटर रजिस्टर में स्टोर कर देता है और सीपीयू को बहुत आसानी से देता रहता है क्लियर हो और जब सिस्टम बंद किया जाता है उस समय डेटा रजिस्टर में रखे हुए डेटा को लॉस कर दिया जाता है ना? ताकि रजिस्टर फुल ना हो जाए और क्योंकि स्मॉलेस्ट है अगर फुल हो गया तो रजिस्टर के साइज को बढ़ाना होगा और रजिस्टर आपकी एक्सपेंसिव है इसलिए इसके साइज को बढ़ाना ना पड़े इसलिए इसको टेम्परेरी कैटेगरी का बनाया गया टेम्परेरी का मतलब वोलेटाइल लटाइल इनचर है ना जहां डेटा क्या हो जाए लॉस हो जाए नेक्स्ट पॉइंट रजिस्टर होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज अराउंड थर्टी टू बिट और सिक्सटी फोर बिट रजिस्टर बहुत कम डेटा को होल्ड करता है जैसे कि अभी मैंने बताया लेकिन वो कम की डेफिनेशन क्या है कितना कम तो आंसर है या तो 32 बिट या तो चौसठ बिट तो 32 बिट और 64 बिट डेटा को स्टोर करता है रजिस्टर इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्लियर है, है यहां तक तो ये बात हो गई रजिस्टर को लेकर अब हम बात करेंगे दूसरी मेमोरी क्योंकि ये भी फास्टेस्ट मेमोरी है वो है आपकी कैश मेमोरी है ना तो अब आप इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होने वाला है कि कैश मेमोरी होती क्या है इससे पहले हम ये बात करेंगे कि कैश मेमोरी काम कैसे करती है हाउ बेसिकली कैश मेमोरी वर्क्स तो देखते रहिए ध्यान से सीपीयू सर्च डेटा इन रजिस्टर सबसे पहले क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि CPU को जब CPU यानी प्रोसेसर को जब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले डेटा को कहां पर ढूंढता है वो ढूंढता है अपने पास, यानी रजिस्टर में। में बात समझ में आ गई? अभी मैंने आपको बताया था रजिस्टर कहां पर लोकेटेड होता है वेरी गुड सीपीयू के अंदर तो सीपीयू को जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने ही घर में तलाश करता है क्या डेटा हमारे पास है अगर मिल जाता है देन इट वेल एंड गुड लेकिन अगर नहीं मिलता तब इस केस में रजिस्टर क्या करता है डेटा को सर्च करता है कैश मेमोरी में ठीक तब रजिस्टर क्या करता है डेटा को सर्च करता है कैश मेमोरी में अगर कैश मेमोरी में डेटा मिलता है बहुत बढ़िया इस डेटा को उठा के वो किसको दे देता है रजिस्टर को और रजिस्टर उस डेटा को सीपीयू को दे देता है लेकिन इन केस अगर कैश मेमोरी में भी डेटा नहीं है तब उस डेटा को सर्च किया जाता है रैम के पास रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है मेन मेमोरी मेन मेमोरी का मतलब रैम में डेटा को सर्च किया जाता है अगर डेटा रैम में मिल गया तो अब इसको दे दिया जाता है कैश मेमोरी को कैश मेमोरी इस डेटा को देता है रजिस्टर को और रजिस्टर इस डेटा को देता है सीपीयू को लेकिन अगर डेटा रैम में भी नहीं मिला मेन मेमोरी में भी नहीं मिला तो अब इस डेटा को कहा ढूंढा जाएगा बिल्कुल सही अब इस डेटा को ढूंढा जाएगा हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी में और आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है है ना क्योंकि ये स्लो है तो अब क्या होगा अब रैम डेटा को सर्च करेगी किसमें हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में, में। वहां डेटा मिलेगा ही मिलेगा ये डैम श्योर है डेटा को उठा के वो कहाँ रखेगी अपने पास यानी रैम अपने पास रख लेगी रैम फिर उस डेटा को उठाकर दे देगी दे? बिल्कुल सही कैश मेमोरी को और कैश मेमोरी उस डेटा को उठाकर दे देगी रजिस्टर के पास और रजिस्टर उस डेटा को उठाकर कहाँ दे देगी सीपीयू दे? यानी प्रोसेसर के पास इस पूरे प्रोसेस में बहुत कम समय बहुत फास्ट ये काम होता है इसलिए आपको पता नहीं चलता कि ये काम हो कैसे रहा है तो याद रखिएगा दैट इज कंप्यूटर में किसी भी डेटा को सर्च किया जाता है या कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है बात समझ में आ गई क्लियर टू एवरी वन चलो यहां तक समझ में आ गया तो एक बार स्माइली देके बताइएगा कि सर बिल्कुल क्लियर है क्लियर है क्लियर है ठीक है और अगर बाई चांस वो कैंडिडेट्स जो इसको ऑफलाइन मोड में देखेंगे वीडियो को उनको भी अगर कहीं पर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा कि सर यहां पर कंफ्यूजन है और समझ में आ गया हो तो ये भी बिल्कुल लिख कर बताइएगा कि सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब कैश मेमोरी काम कैसे करती है ये तो आपने देख लिया कि डेटा को कैश मेमोरी से रजिस्टर में पहुंचाना और रजिस्टर फिर उस मेमोरी के डेटा को सीपीयू को प्रोवाइड करती है लेकिन अब कैश मेमोरी होती क्या है है ना इसके बारे में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं तो चलिए जानते हैं एक बात तो श्योर है कि अगर कैश मेमोरी फास्टेस्ट है तो ये भी टेम्परेरी होने वाली है और यह भी एक्सपेंसिव होने वाली है ये तो आप बिना बहुत ज्यादा ध्यान दिए बात कह सकते हैं क्योंकि अभी मैंने समझाया जितनी फास्ट होगी उतनी एक्सपेंसिव होगी और जितनी फास्ट होगी वो उतनी ही टेम्परेरी होगी है ना तो ये टेम्परेरी भी है ये फास्ट भी है ये एक्सपेंसिव भी है अब इस पर एक बार निगाह डालते चलिए बहुत बढ़िया पार्ट ऑफ मेन मेमोरी यानी अभी देखो हम लोग ने बात की थी कि रजिस्टर मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता क्योंकि रजिस्टर सीपीयू के अंदर बैठा होता है तो सीपीयू क्योंकि मेमोरी का पार्ट नहीं है ना लेकिन कैश मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है यानी मेन मेमोरी का पार्ट है ठीक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये फास्टेस्ट मेमोरी है बेहतरीन आप लोग समझ चुके हैं, अगला यानी मेमोरी है ये भी आप लोग समझ चुके हैं कि रजिस्टर भी फास्टेस्ट है, कैश भी फास्टेस्ट है रजिस्टर भी वोलाटाइल है कैश भी वोला है ये सबसे खतरनाक पॉइंट है और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ना इस पॉइंट को अगर आपने याद रखा तो एक नंबर आप एग्जाम में जरूर लेकर आएंगे है ना तो ये एक नंबर आपका डैम श्योर है देखते हैं क्या है। कैश मेमोरी कहा लगी होती है तो याद रखिएगा कि कैश मेमोरी एक्ट एज अ बफर बेटवीन अ रैम एंड अ सीपीयू। ये रैम और सीपीयू के बीच में एक कनेक्शन है एक बफर है मैंने आपको बताया था कि अगर कैश में डेटा नहीं मिलता तो डेटा कहां ढूंढा जाता है रैम में और ये डेटा दिया किसको जाता है सीपीयू को तो इसका मतलब एक तरफ तो खड़ा है सीपीयू और दूसरी तरफ है रैम है ना और इन दोनों के बीच में है आपका कैश मेमोरी तो इसका मतलब कैश मेमोरी किसके बीच में मिलती है कैश मेमोरी लाइज बिटवीन या कैश मेमोरी इज अ बफर बिटवीन आंसर होगा रैम एंड सीपीयू ठीक इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा वेरी गुड नेक्स्ट तो थोड़ा सा और समझते हैं यहां पर देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। इसको भी समझिएगा हिट और मिस क्या होता है कैश हिट और कैश मिस ये क्या है देखिए हिट और मिस का कॉन्सेप्ट लिया गया है क्रिकेट के फील्ड से है ना जैसे कि आप लोग जानते हैं हिट का मतलब क्या होता है कि अगर बॉल जो है वो बैट से टच हो गई तो वो हिट हुआ और अगर बैट से टच नहीं हुई है ना तो मिस हो गया तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होता है अगर सीपीयू ने डेटा को सर्च करने की कोशिश करी डेटा कहां मिला रजिस्टर में बहुत बढ़िया बात कैश कुछ होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी लेकिन अगर रजिस्टर में नहीं मिला तो कैश में ढूंढा जाएगा अभी मैंने आपको बताया अगर डेटा कैश में भी नहीं मिला इसको बोला जाता है कैश मिस और अगर डेटा कैश मेमोरी में मिल गया तो इसे कहा जाता है कैश हिट बात समझ में आ गई तो डेटा फाउंड इन कैश मेमोरी इज कॉल्ड कैश हिट एंड डेटा नॉट फाउंड इन दी कैश मेमोरी इज कॉल्ड कैश मिस तो आप फटाफट मुझे बताइए कि अगर डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा तो डेटा कहां ढूंढा जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल इन दी कैश मेमोरी बिल्कुल सही इस केस में डेटा को रैम में सर्च किया जाएगा बिल्कुल सही बात है तो हिट और मिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देखिए अब यहां पर एक डायग्राम की मदद से भी समझाया जा रहा है कि सीपीयू और रैम के बीच में कैश लगी हुई है है ना तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि कैश मेमोरी लाइज बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी इज दैट क्लियर टू एवरी क्या यह बात क्लियर है चलो अब एक क्वेश्चन उठता है कि कैश मेमोरी कितने तरीके की होती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी आर देयर देखिए कैश मेमोरी मार्केट में भी अवेलेबल होती है और अलग से भी लगवाई जाती है और कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड भी होती है ना आजकल कई केसेस में कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड मिलती है मोबाइल के अंदर इनबिल्ड मिलती है लेकिन अगर इनबिल्ड नहीं है तो आप अलग से भी इसको लगवा सकते हैं कैश मेमोरी कितने तरीके की होती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर ये चार तरीके की होती हैं आपकी कैश मेमोरी एल मतलब वन एल मतलब टू एल मतलब थ्री और एल फोर एल वन का मतलब लेवल वन एल टू का मतलब लेवल टू एल थ्री का मतलब लेवल थ्री और एल फोर का मतलब होता है लेवल फोर लेवल वन कैश मेमोरी को ही रजिस्टर भी बोला जाता है आप लेवल वन बोल दीजिए कैश मेमोरी का या रजिस्टर बोलिए एक ही बात है लेवल टू का मतलब होता है स्वयं कैश मेमोरी यानी यही आपकी कैश मेमोरी होती है लेवल थ्री का मतलब होता है मेन मेमोरी यानी रैम और लेवल फोर का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी तो अभी जो मैंने आपको बताया कि सीपीयू सबसे पहले डेटा को किसमें सर्च करता है लेवल वन में जिसे रजिस्टर बोला जाता है फिर सीपीयू डेटा को सर्च करता है अगर रजिस्टर में नहीं मिलता कैश मेमोरी में लेवल टू है अगर लेवल टू में भी डेटा अवेलेबल नहीं है फिर सर्च किया जाता है लेवल थ्री मेन मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में और अगर मेन मेमोरी में, 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 में भी डेटा नहीं मिलता तो इसको सर्च किया जाता है किसमें लेवल फोर में एंड दैट इज वॉट वी कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी यानी आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बात क्लियर हो गई तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे आता है क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लेवल थ्री एल थ्री कैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आंसर होगा मेन मेमोरी या फिर क्वेश्चन आता है लेवल वन ऑफ कैश मेमोरी इज कॉल्ड है ना तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट तो अब लेवल वन यानी रजिस्टर क्या होता है ये आप लोग जान चुके हैं डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर ऑफ अ सीपीयू सीपीयू में रजिस्टर को स्टोर किया जाता है सीपीयू का पार्ट है रजिस्टर तीन तरीके के बेसिकली होते हैं या कभी कभी चार तरीके में इसको हम डिवाइड करते हैं ये क्या है एक्यूमिलेटर प्रोग्राम काउंटर एड्रेस रजिस्टर एसेक्ट्रा तो ये भी याद रखिएगा सिर्फ नाम याद रखिएगा कि रजिस्टर कितने तरीके के होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन एसओआईटी आई टी लेवल है ना या डी ट्रिपल एस बी लेवल पर पूछा जाता है या एडवांस लेवल पर यहां से क्वेश्चन बनता है जैसे एक्यूमलेटर क्या है प्रोग्राम काउंटर क्या है या एड्रेस रजिस्टर क्या होता है है है? ना? या इंस्ट्रक्शन काउंटर क्या होता आईसी इंस्ट्रक्शन काउंटर भी बोला जाता है या लेकिन तरीके का होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर ठीक है नेक्स्ट लेवल टू जिसे स्वयं कैश मेमोरी कहा जाता है दैट इज इट कॉल्ड द कैश मेमोरी जो फास्टेस्ट है एक्सिस टाइम इसका बहुत तेज है यहां से डेटा को बहुत जल्दी रिट्रीव किया जा सकता है टेम्परे है लेवल थ्री मतलब मेन मेमोरी मेन मेमोरी मतलब रैम तो रैम की खास बात क्या होती है इट इज मेमोरी ऑन विच कंप्यूटर वर्क करेंटली यानी रैम वो मेमोरी है जिसपे कंप्यूटर काम करती है है ना और अगले सेशन में हम आपको रैम रोम और बाकी सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी बताएंगे तो मेन मेमोरी का मतलब यहां पर क्या है रैम है इट इज इन साइज एंड पावर इज ऑफ डेटा नो लॉन्गर स्टेज इन कंप्यूटर बंद होता है तो उसमें रखा हुआ क्या होता है लॉस हो जाता है इसी को हम कहते हैं क्या वो इन नेचर और रैम आपकी कैसी होती है वो होती है नेचर में क्लियर है लेवल फोर जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है यानी आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ये हो गई सेकेंडरी मेमोरी है ना तो अब हार्ड डिस्क का फीचर क्या होता है इट इज एक्सटर्नल मेमोरी ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है नॉट एज फास्ट एज मेन मेमोरी मैंने अभी आपको बताया कि हार्ड डिस्क क्या होती है स्लो होती है लेकिन फास्ट भी आ गई है अगर हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में अगर हम करेंगे तो एस आपकी थोड़ी बहुत फास्टेस्ट भी है डेटा स्टेस परमानेंटली इन दिस मेमोरी और इस मेमोरी में डेटा क्या होता है सॉरी <coughs> इस मेमोरी में डेटा आपका परमानेंट रहता है है ना यानी ये आपकी नॉन वोलाटाइल होती है यानी परमानेंट होती है तो ये बात हो गई आपके कैश मेमोरी के पार्ट्स के बारे में या टाइप्स के बारे में जिसको हमने L1, L2 L3 और L4 चार टाइप्स में डिवाइड किया है यहां तक क्लियर है गाइस चलो बहुत बढ़िया तो बिल्कुल आप सबको समझ में आ रहा होगा है ना सेशन को लाइक करते चलिएगा साथ-साथ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो देखिए अगर कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की अगर हम बात करें है ना तो यहां से क्या कंक्लूड हो रहा है किस बारे में बात हो रही है है ना तो यहां पर आप देखिएगा कि अगर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है रजिस्टर दूसरे नंबर पर हमने लिखा है कैश मेमोरी राइट और तीसरे में है मेन मेमोरी फिर है सेकेंडरी स्टोरेज फिर है टर्शरी स्टोरेज और लास्ट में है ना आपकी और भी स्टोरेज आ सकती हैं जैसे ऑप्टिकल डिस्क एंड सोन तो सीपीयू रजिस्टर देखिए हमने मेमोरी में, में नहीं लिखा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्टर मेमोरी का पार्ट नहीं है ये सीपीयू का पार्ट है इसलिए लिखा गया है रजिस्टर फिर इसके बाद कैश भी फास्टेस्ट है अब आप देख रहे हैं यहां पर कि ऊपर से अगर नीचे तक हम आ रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है चेंज हो रही है वेरी हो रही है है ना? ऊपर से नीचे तक स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है कैश उससे कम फास्ट है मेन मेमोरी यानी रैम उससे कम फास्ट है सेकेंडरी स्टोरेज यानी डिस्क है ना उससे कम है तो ये ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम आए तो स्पीड कम हो रही है और अगर हम साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे तक साइज क्या है बढ़ रहा है रजिस्टर छोटा कैश उससे बड़ी मेन मेमोरी उससे बड़ी है ना सेकेंडरी स्टोरेज उससे बड़ी टर्शरी उससे बड़ी तो ये यानी साइज तो बढ़ रहा है लेकिन साइज बढ़ने के साथ साथ स्पीड यानी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो रही है स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रही है और स्लो हो रही है डिस्क आपकी स्लो हो रही है यानी रजिस्टर फास्टेस्ट है कैश आपकी उससे स्लो है है ना तो स्लो हो रही है तो ये है आपकी कंप्यूटर की एक चीज जरूर याद रखिएगा मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम और सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है या सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है हार्ड डिस्क और यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क को डी आई डी आई एस के यानी के से इंडिकेट किया गया है क्योंकि ये सेकेंडरी है और अगर हम यहां पर बात करेंगे किसकी डी के बारे में तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में मीन सी डी डीवीडी या फिर डिस्क के बारे में यहां तक क्लियर है चलिए, बहुत बढ़िया अब बात करेंगे मेमोरी टाइप्स के बारे में कि बेसिकली मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं और इनका क्या काम होता है तो मेमोरी टाइप्स में अगर हम बात करें तो दो तरीके की मेमोरी के टाइप से एक तो प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस प्राइम है जिसके बिना कंप्यूटर या आपका मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट चल नहीं सकता वो प्राइमरी है और सेकेंडरी मतलब डेटा का गोडाउन जहां पर डेटा को सिर्फ और सिर्फ स्टोर करके रखा जा रहा है ये हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी और एक तो होता है वो कमरा वो रूम जहां पर आप रहते हैं और एक होता है स्टोर रूम तो यानी प्राइमरी मेमोरी आपका बेडरूम हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया आपका हो गया। रखते हैं तो शायद इससे ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर अब इन मेमोरी का क्या मतलब है किस तरीके से ये काम करती है ना इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे लेकिन आई होप आज के सेशन को बस यहीं तक रखते हैं और मेमोरी कितने तरीके की होती है और इनकी क्लासिफिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने कल आएंगे बजे। लेकिन आज एक और वीडियो आपके पास आ जाएगी वो है पार्ट वन से रिलेटेड एमसीक्यूज मेमोरी पार्ट वन से रिलेटेड एमसीक्यूज इनको जरूर देख लीजिएगा और जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं उनके एमसीक्यूज को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा राइट right? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं साथ-साथ एमसीक्यूज भी आपको मिल रहे हैं तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे पसंद आ रहे हैं तो अपनी बात को जरूर कमेंट के थ्रू और लाइक देकर जरूर बताएं है ना और मोटिवेट करते रहें खुद को भी और अपने मेंटोर को भी। तो चलिए आज के सेशन को सिर्फ यहीं तक रोकते हैं अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में टिल एंड टेक केयर